एक को मार एक चंदन के बदले पर रहते एक कटुए को मार एक मौलवी को मार मस्जिद में आग लगाया तेरा जामा मस्जिद तक गल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम कर नहीं रहे हैं हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष का साथ हमने जो दो मर्डर किए हैं एक मस्जिद जलाई है दो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का मर्डर किया है जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है महात्मा गांधी को इंसल्ट किया की FIR के कागज दर्ज हो चुके हैं बहुत जल्द पुलिस भी आपको रिपोर्ट दे देगी। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं हम लोग अब वो डर खत्म भारत खत्म करते हो ना और जगाते हो लूटन का ठग लो याद रख रहे एकदम जितना करोगे ना उतना हिंदू भाई जगेंगे वही 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 एक्शन करेंगे नहीं एक चल एक को मार एक चंदन के बदले पर रहते एक कटुए को मार एक मौलवी को मार मस्जिद में आग लगाया तेरा जामा मस्जिद तक गल जाएगा ऐसा कुछ किया तो इसीलिए हम कर नहीं रहे हैं हमारा भी पूरी अमित सिंह मनीष का साथ। नमस्कार वादे के अनुसार मैं पटना के EOU डिपार्टमेंट के बाहर बिहार पुलिस के बाहर खड़ा हूँ और आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ बहुत छोटी सी बात जैसा मैंने वादा किया था वैसा मनीष कश्यप रवि पुरी और अमित सिंह इन लोगों ने जो दो मर्डर किए हैं एक मस्जिद जलाई है दो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का मर्डर किया है जिसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है महात्मा गांधी को इंसल्ट किया है गाली दी है ये कहा है कि हम उनकी मौत का जश्न मनाते हैं और टेरर एक्टिविटी में लिप्त पाए गए हैं ये तीनों यानी कि अल्पसंख्यकों को लेकर के टेररिज्म बढ़ाने के लिए ये जो मुहिम चला चुके हैं और चला रहे हैं उसकी FIR के कागज दर्ज हो चुके हैं बहुत जल्द पुलिस भी आपको रिपोर्ट दे देगी एंजॉय। हाँ मनीष कश्यप अंदर है मिलना है अरे जाने दो। अस्सलामुअलैकुम आदाब कैसे हो उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। मैं गुलाम रब्बानी आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ इस्तकबाल करता हूँ। आप लोगों ने सुना ना चड्डी छाप पत्रकार को अपने तीन साथियों के साथ मिलकर के यानी ऊपर से चोरी फिर सीना जोड़ी। आप लोगों ने देखा है ISI के टेरर ग्रुप को वो इस तरह के क्राइम करके लाइव आते थे जैसे मनीष कश्यप यानी ISI का दूसरा रूप अगर होगा तो वो ये लोग होगा क्योंकि देखिए क्राइम करके खुद से लाइव वीडियो में दिखा रहा है लोगों को और डरा धमकाने की कोशिश कर रहा है। आपको इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए।